हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक का नाम है भुलक्कड़पन, फॉरगेटफुलनेस। साधारणता या किसी भी व्यक्ति में अनेक कारणों से हो सकते हैं। अत्यधिक मानसिक श्रम के कारण, बढ़ती उम्र के कारण, या तो फिर बहुत अधिक तनाव या स्ट्रेस के कारण, या कुछ लोग रोग के कारण भी भुलक्कड़पन के शिकार हो जाते हैं और बहुत बार तो वे बोलते बोलते यह भूल जाते हैं कि उन्हें कहना क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके कारण तो अनेक हैं और इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बड़े ही सटीक मेडिसिन है और लक्षणानुसार इसे यदि हम लोग सही तरीके से चुन पाए तो यह अद्भुत रिजल्ट देती है। तो आइए इसे जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भुलक्कड़पन के लिए मैं आपको सबसे पहली दवा बतलाने जा रहा हूं। इस दवा का नाम है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम 30 पोटेंसी में आपको लेना है। अब इसके लक्षण को जान लेते हैं। एनाकार्डियम के रोगी साधारणतः भुलक्कड़पन के शिकार बहुत अधिक मानसिक श्रम करने के कारण हो जाते हैं। तो इस श्रेणी में जो लोग आते हैं, साधारणतः डॉक्टर हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टर अकाउंटेंट हो गए, जो हमेशा बैठे रहते हैं और बहुत अधिक मानसिक श्रम का ही काम करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति यदि भुलक्कड़पन के शिकार हो जाते हैं तो उन्हें एनाकार्डियम 30 की मात्रा 4 बूंद आधे कप ठंडे पानी में डालकर 3 बार लेनी चाहिए। उन्हें अद्भुत लाभ होगा। अब आइए दूसरी औषधि के बारे में हम लोग बातें करते हैं। दूसरी औषधि का नाम है ब्राइटाकार। इसका भी आपको 30 पोटेंसी इस्तेमाल करना है। अब ब्राइटाकार्ब के लक्षण क्या हैं? आइए इसे जानते हैं। ब्राइटाकार्ब एक ऐसी दवा है जो बढ़ती उम्र के कारण आने वाले भुलक्कड़पन में काफी काम देती है। तो एज होने के साथ यदि कोई व्यक्ति भुलक्कड़पन का शिकार हो गया हो तो उसे ब्राइटाकार्ब 4 बूंद आधे कप ठंडे पानी में डालकर सुबह, दोपहर और शाम को लेने से उन्हें काफी लाभ होता है। आइए अब हम लोग तीसरी दवा के बारे में जानते हैं। इस तीसरी दवा का नाम है कैनिबिस इंडिका। इस दवा का प्रमुख लक्षण होता है कि कोई भी व्यक्ति बोलने के क्रम में यह भूल जाता है कि उसे कहना क्या है। इस तरह की समस्याएं ढेरों लोगों के साथ होती है और यदि आप भी उनमें से एक हैं तो आप कैनिबिस इंडिका 30 पावर का ले लें और 4 बूंद आधे कप ठंडे पानी में डालकर सुबह, दोपहर और शाम को लें। इससे आपको अद्भुत लाभ होगा। अब आइए भुलक्कड़पन की चौथी दवा के बारे में हम लोग बातें करते हैं। ये चौथी दवा का नाम है ग्लोराइन। इसे भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है। यह महान भुलक्कड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक दवा है। इसके रोगी अपने घर का पता, गली मोहल्ले का नाम, अपने घर का नंबर आदि भी भूल जाते हैं। तो यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह के भुलक्कड़पन के शिकार है तो ग्लोराइन 30 का 4 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर और शाम को लें। उन्हें बहुत अधिक लाभ होगा। अगली दवा जो पांचवें नंबर पर आती है, इसका नाम है मेडोरिनम। इसका भी आपको 30 पोटेंसी इस्तेमाल में लाना है। और मेडोरिनम का प्रमुख लक्षण होता है कि कोई व्यक्ति अपना नाम ही भूल जाता है। वह बार बार अपने नाम को याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे अपना नाम याद नहीं आता है। तो ऐसे पेशेंट को मेडोरिनम 30 पोटेंसी का आधे कप पानी में 4 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम को लेना चाहिए। उनकी इस भुलक्कड़पन की यह परफेक्ट दवा है। अब आइए छठे मेडिसिन के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है थूजा। थूजा 30 पोटेंसी में आपको लेना है। अब इसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स को जान ले। थूजा के रोगी जब नींद से जागते हैं तो उस समय वे भुलक्कड़पन के शिकार होते हैं। उन्हें कुछ भी सही तरीके से याद नहीं आता है लेकिन समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे उन्हें सभी कुछ सही तरीके से याद आता चला जाता है। तो यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह के सिम्टम्स के रोगी हैं तो उन्हें थूजा 30 का 4 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर और शाम को लेना चाहिए। इससे उन्हें बहुत अधिक लाभ होगा। तो दोस्तों, ये दवाइयां भुलक्कड़पन यानी कि फॉरगेटफुलनेस के लिए रामबाण की तरह काम करती है, बशर्ते सही लक्षणानुसार इनका चुनाव किया जाए।
तो दोस्तों आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बतलाएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। यदि आप हमारे चैनल के न्यू विजिटर्स हैं तो आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।